हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग पार्ट ए को डिस्कस करेंगे। पार्ट बी को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसको 6 वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है, जो ऑलरेडी साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, या ऊपर आई सिंबल में भी आ रहा होगा उसके लिंक, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। अच्छा, मैंने पार्ट ए का केमिस्ट्री क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन अपलोड किया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर, यह है पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर अप टू 15 तक मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी अपलोड किया हुआ है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग इससे आगे बात करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 16 से। चलिए शुरू करते हैं। इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ए मेम्ब्रेन आर थॉट टू बी कैपेसिटर, द रीज़न वाई दे आर कंसिडर टू बी सो बिकॉज, ओके, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपेसिटर? कैपेसिटर का मतलब होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है। तो एनर्जी को स्टोर करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होगी। जैसे सेल में, बैटरी में रहता है प्लस और माइनस, यानी इसके बीच में इलेक्ट्रो ग्रेडियंट रहते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी इसके अंदर स्टोर रहता है। तो मेम्ब्रेन भी आयंस को नहीं पास करने देते हैं, इसीलिए आयंस का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस रहेगा, बाहर की तरफ हो सकता कम या ज़्यादा हो, या अंदर की तरफ ज़्यादा या कम हो, जिसकी वजह से ये प्लस और माइनस चार्ज डेवलप करते हैं। हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों को मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 mV है, तो जिसकी वजह से एनर्जी इनके बीच में स्टोर होता है। तो आंसर होगा सी, देयर इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बिकॉज ऑफ दिस इट कैन एक्ट एज ए कैपेसिटर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनोस इट कैन एक्ट एज ए जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट। तो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। कौन सा? एक फिजियोलॉजिकल pH 7.2 पर, हिस्टिडीन। आंसर होगा हिस्टिडीन। ये डायरेक्ट, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्ड में एंट्रोपी चेंज के बारे में बात कर रहा है। तो प्रोटीन जब फोल्ड होता है तो वो स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, यानी एंट्रोपी। एंड व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी इज ए डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो ज़्यादा एंट्रोपी होगा तो रैंडमनेस ज़्यादा होगा, लेकिन यह स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है, यानी एंट्रोपी डिक्रीज करेगा। तो जब प्रोटीन फोल्ड करता है तो प्रोटीन अंडरगो डिक्रीज इन एंट्रोपी। अच्छा, अब सॉल्वेंट के बारे में आ रहे हैं। वाटर प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जब प्रोटीन फोल्ड कर जाएंगे तो वाटर फिर वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो वाटर वाटर का इंट्रैक्शन करेगा तो वो भी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे, यानी उनका भी एंट्रोपी डिक्रीज करेगा। तो इस केस में प्रोटीन फोल्डिंग में दोनों के एंट्रोपी डिक्रीज करते हैं। तो आंसर होगा बोथ एंट्रोपी शुड डिक्रीज, ये आंसर विल बी डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज एकम्पनाइड बाय द रिलीज ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ड्यूरिंग द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोटीन सिंथेसिस डज द एक्चुअल रिलीज ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में ही वाटर का रिलीज होता है। तो आंसर विल बी बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम इंटरेक्शन इंटरैक्ट विद सब्सट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द रेट ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स ई प्लस एस कंबाइन करके फॉर्म करते हैं ई एस, मैटलिस मेंटेन का इक्वेशन है, और यहाँ पर K1 रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो यहाँ पर रेट किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा? रेट ऑफ ई एस फॉर्मेशन इज डिपेंडिंग ऑन सबस्ट्रेट, तो ई और एस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आंसर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम कैटालिसिस इज रॉन्ग। ओके, तो रॉन्ग पूछ रहा है। द डिक्रीज द एक्टिवेशन बैरियर ऑफ द रिएक्शन, ट्रू है। द इंक्रीज द फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ट्रू है। द इंक्रीज द रेट इंक्रीज द रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी ट्रू है। ये डिपेंड करता है कि फॉरवर्ड या रिवर्स में डेल्टा जी के ऊपर डिपेंड करेगा। द डिक्रीज द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ डेल्टा जी बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम लोग एंजाइम के बारे में जानते हैं कि इट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, बट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता। इसका मतलब है कि और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिफाइन होता है? डेल्टा जी से। डेल्टा जी इज इक्वल टू 2.303 RT log K, वेयर K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
तो ये डेल्टा जी को चेंज नहीं करते, यहाँ लिखा डिक्रीज, तो आंसर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि रॉन्ग पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इन अ डिफरेंट प्लैनेट इज इवॉल्व्ड। ओके, तो ए प्लस बी कंबाइन करके सी फॉर्म करता है और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन ये जब सेल के अंदर ही रहता है तभी एनर्जी रिलीज करता है, जब ये नेचुरली बाहर की तरफ रहते हैं तो नॉन रिएक्टिव होंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये मतलब रिएक्शन इसका ऑप्शन होगा सेकेंड, द रिएक्शन शुड बी काइनेटिकली फेवरेबल बट थर्मोडाइनमिकली हिंडर्ड। थर्मोडाइनमिकली हिंडर्ड का मतलब है इनका सबस्ट्रेट टू प्रोडक्शन, ये डेल्टा जी के ऊपर, तो डेल्टा जी प्रोडक्ट, ये डेल्टा जी का इस तरफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, तो डेल्टा जी सब प्रोडक्ट का ज़्यादा है, नेगेटिव है, एज़ कम्पेयर टू अगर इस तरफ अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग प्लस लें और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लें, तो प्रोडक्ट का डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव है, यानी फेवरेबल है, सब्स्टिट्यूट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट करेगा, यानी ये काइनेटिकली फेवरेबल है। लेकिन थर्मोडाइनमिकली हिंडर्ड क्यों है? क्योंकि इसको एक क्रॉस करना है, ये हिल, ये जो सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट का हिल जो देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो मोर एक्टिवेशन एनर्जी, लेस चांस ऑफ सब्स्टिट्यूट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन, बट दिस कैन बी एनहेंस बाई अप्लाइंग एंजाइम। तो ये आंसर होगा कि काइनेटिकली फेवरेबल है लेकिन थर्मोडाइनमिकली हिंडर्ड है, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कॉन्टेंट ऑफ प्रोटीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाई फॉस्टर रेजोनेंस। ये हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन के लिए, इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, बाकी सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सी डी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, NMR सेकेंडरी टर्शियरी दोनों, एक्सरे भी सेकेंडरी टर्शियरी के लिए। तो आंसर होगा डी। आयनिक इंट्रैक्शन इनसाइड प्रोटीन कोर आर नॉट वेरी कॉमन, द प्रोबेबल रीजन बिकॉज कोर रीजन में आयनिक इंट्रैक्शन नहीं होगा, कोर रीजन मतलब सेंटर इनसाइड ऑफ प्रोटीन, क्योंकि यहाँ हाइड्रोफोबिक डोमेन होता है, तो आंसर विल बी सी, सी आंसर इज करेक्ट। डी फ्रक्टोज इज एंजाइमेटिकली कन्वर्टेड टू डी पेसिकोस, द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन एज वेल एज नेट चेंज ऑफ एंट्रोपी इज एग्जैक्टली जीरो। ओके, देखिए यहाँ पर सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन, अगर डेल्टा जी जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम पे काम करेगा, हम लोग जानते हैं डेल्टा जी जब जीरो होता है तो केमिस्ट्री का पार्ट है, ये इक्विलिब्रियम पे काम करेगा, तो यहाँ पे एंट्रोपी और डेल्टा जी दोनों जीरो है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पर है, यानी सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन और प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट कन्वर्जन इन इक्वल रेट। ओके, तो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड बैच प्रोसेस इज 50%, या ट्रू है। इन ऑर्डर टू डिजाइन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट एफिशिएंट कन्वर्ट फ्रक्टोज टू फ्रुक्टोज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। तो हम लोग चाहते हैं कि प्रोडक्ट ज़्यादा बने, तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग प्रोडक्ट को कंज्यूम करते रहें, तो सब्स्ट्रेट इसका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एक्युमुलेट ही नहीं होने दें, इसको कंज्यूम कर लें, तो क्या होगा, सब्स्ट्रेट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन फास्ट होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा डिजाइनिंग ए प्रोसेस दैट विल एफिशिएंटली रिमूव डी पेसिकोस फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, या ट्रू, प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। 26, यू हैव आइसोलेटेड टू एंजाइम E1 एंड E2 फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट कैटलाइज द सेम रिएक्शन, E1 हैज हाइयर केम Vmax देन E2, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वुड एंजाइम E2 एज प्रेफर्ड टू ओवर एंजाइम E1। ओके, तो E1 का केम वैल्यू क्या है, ज़्यादा है किससे, E2 से, तो E2 अच्छा एंजाइम है क्योंकि इसका केम वैल्यू कम है, केम वैल्यू कम तो यानी लो कॉन्सेंट्रेशन भी ये बाइंड कर जाएगा, यानी ऑब्टेंड व्हेन सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेंड एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या है, कैन नॉट बी एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन पे, तो E2 ज़्यादा अच्छा है, फर्स्ट ऑप्शन होगा। द जेनेटिक कोडोन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यूजेस 4 बेसिस कोडोन आउट ऑफ विच 3। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें 4 न्यूक्लियोटाइड को यूज़ करके कोडोन बनाया जाता है, यूजेस 4 बेस कोडोन। ओके, हम लोग में जनरली क्या होता है, 3 होते हैं, तो इनमें फॉर एग्जांपल ये 4 यूज़ करके एक एमिनो एसिड, फॉर एग्जांपल मेथियोनिन बनाया गया, फॉर एग्जांपल, लेकिन इसमें से
थर्ड वाला ये वाला कोई इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, वोवेल पोजिशन की तरह है। तो अब पूछ रहा है कि एक कोडोन स्टॉप कोडोन के लिए यूज़ होगा तो कितने एमाइनोसिड कोड हो सकते हैं। ओके, तो यानी 4 × 4 × 4 टोटल एमाइनोसिड कितने होंगे, ये कोडोन 64 माइनस 1 क्योंकि एक स्टॉप कोडोन है, ये स्टॉप कोडोन के लिए, तो ये कितने एमाइनोसिड के लिए हो जाएगा, 63। होप सो कि ये समझा, आंसर होगा फर्स्ट। ओके, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टी एफ इन देयर नेटिव फॉर्म और देयर फॉस्फोलेट। ओके, तो ये बाइंडिंग, अच्छा एफ वन है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और आर है रिवर्स रिएक्शन के लिए। तो हम लोग को सिंपली देखना है कि मोस्ट लाइकली इनिशिएटिव ट्रांसक्रिप्शन डाउन स्ट्रीम द बाइंडिंग, मतलब कौन स्ट्रांगली बाइंड कर रहा है। तो हम लोग को सिंपल देखना है जिसका एफ मैक्सिमम हो, एफ वैल्यू मैक्सिमम हो फॉरवर्ड रिएक्शन, और आर डिसोसिएशन मिनिमम हो, वही आंसर होगा हमारे लिए। तो फॉरवर्ड वैल्यू सबसे मैक्सिमम किसका है, F4 का, और R वैल्यू सबसे मिनिमम किसका है, R3 और R4 का। तो इसमें F4 और R4 आंसर 4 होगा क्योंकि इसका F4 वैल्यू सबसे ज़्यादा है और R4 सबसे कम है, यानी ये एक्टिवेटर के साथ बाइंड करके ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ये फॉर्म करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑन कर देगा, आंसर विल बी डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लार्ज सेगमेंट ऑफ DNA वॉज PCR एम्पलीफाइड यूजिंग प्राइमर, वॉट इज। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक PCR हम लोग करते हैं तो PCR में जेल में 3 बैंड बन रहे हैं, आइडियली बनना क्या चाहिए था, एक बैंड, DNA स्पेसिफिक प्राइमर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बैंड बनना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 बैंड बन रहा है। तो जो सबसे लार्जर वाला है ये वाले को, इसको अलग कर लिया गया, कट करके जेल को कट करके इसको एल्यूट कर लिया गया और फिर इसको यूज़ करके PCR किया गया, मतलब इसको अब टेम्पलेट की तरह यूज़ किया जा रहा है फॉर डूइंग अगेन PCR, फिर 3 बैंड बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इस लार्जर सब यूनिट में प्राइमर 3 जगह बाइंड कर रहा है, एक स्टार्टिंग और एंड में, ये स्टार्टिंग और एंड में, समवेयर इन बिटवीन, तो यानी 3 प्राइमर जो बाइंड कर रहे हैं नॉन स्पेसिफिक, 3 जगह इसी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ DNA में बाइंड कर जा रहा है। तो आंसर होगा द सेगमेंट ऑफ DNA इज मेड अप ऑफ 3 आइडेंटिकल रिपीट्स। चलिए 30 नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये मैथ्स का क्वेश्चन है।